Hi guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Show Your Talent. आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं अपने YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करूंगी वो है सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज कहने या स्टफ्ड टॉयज, ये हमें देखने में बहुत क्यूट तो लगते ही हैं और ये विशेष तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आपको शॉप्स पे ये रेडीमेड सॉफ्ट टॉयज टेडी बियर, जोकर और भी एनिमल्स के मिल जाएंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि ये सॉफ्ट टॉयज घर में भी बनाए जा सकते हैं। इनको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो मार्केट में मिल जाता है और फिर हम इनके ड्राफ्ट्स वगैरह काट के उन्हें स्टिचिंग करके हम ये सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं। मगर ये सॉफ्ट टॉयज बनाना इतना इजी भी नहीं है क्योंकि इसकी सारी स्टिचिंग हाथ से ही करनी होती है, स्टिचिंग सिलाई मशीन से नहीं हो सकती, तो मेहनत तो लगती ही है और टाइम भी लगता है। मगर अगर हम कुछ अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो हाथ से बना करके एक अलग ही खुशी मिलती है। मैंने भी कुछ सॉफ्ट टॉयज बनाए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सॉफ्ट टॉयज आप सभी के साथ शेयर करूं। मैं आपको अपने सॉफ्ट टॉयज दिखाऊंगी जो मैंने खुद बनाए हैं और उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दूंगी, तो वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सॉफ्ट टॉय मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो मैंने बनाया है वो है ये मिक्की माउस। इसको आप ऐसे भी देख लें। जी हाँ, ये मैंने बनाया है और इसमें मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि ये येलो, रेड, ब्लैक और ये पीच कलर की, इनको हम बोलते हैं फैंट, ठीक है ना। इसमें जो ये बाल बाल से हेयर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फेल्ट। और इसके अंदर जो इसको स्टफ़ करने के लिए भरा जाता है वो होता है फाइबर, रुई जैसा होता है मगर वो नायलॉन का होता है क्योंकि हम इन्हें धो सकते हैं। ये मैंने अभी धोया था, ऐसे मैंने वाटर में सर्फ घोल करके ऐसे सोप कर दिया था और फिर मैंने इसे वॉश करा था, तो ये थोड़ा सा मतलब पुराना हो गया है। तो इसकी आइज़, ये आइज़ भी मिल जाती है, ये नोज़ भी मिल जाती है, तो ये आइज़ का ही थोड़ा सा पॉलिश छूट गया है। ये जो इसके देखिए, ये जो शूज़ हैं इसमें जैसे ये कटिंग है, ये है, ये पूरे ड्राफ्ट्स आते हैं, उनको हम रख रख के फेल्ट के ऊपर उनकी आउटलाइन ड्रॉ करके फिर उन्हें काट लेते हैं। सी ईयर्स हैं तो ये दो पीसेज हैं, ये पूरा, ये हर एक पार्ट का एक ड्राफ्ट होता है। उस ड्राफ्ट को मतलब जैसे कागज़ का होता है ड्राफ्ट, उनको हम जो फेल्ट होती है उसके ऊपर रख रख के फेल्ट पे वही काट लेते हैं और फिर हम उनकी स्टिचिंग करते हैं। और ये देखिए पूरी स्टिचिंग, ये इसमें ये वो भी पेन रखा है, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ये पूरी स्टिचिंग हाथों से की जाती है। इसमें अच्छा खासी मेहनत और टाइम दोनों लग जाता है। और ये थोड़ा सा देखिए इस तरह से, ये ऊपर इसके ईयर्स भी हैं, ये ईयर्स भी हैं, इस तरह का ये लुक है। और अगर ये है कि अगर कोई शौक है तो मेहनत तो हर काम में खैर लगती ही है। तो अभी मैं आपको और भी सॉफ्ट टॉयज़ दिखाती हूँ। आपको मेरे सॉफ्ट टॉयज़ कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके भी अगर हॉबी हो सॉफ्ट टॉयज़ की तो आप वो भी शेयर कर सकती हैं। ये जो अगला सॉफ्ट टॉय जो मैंने बनाया है ये है ये टर्टल कछुआ। इसमें इसकी जो आइज़ थी एक्चुअली वो चिपकाने वाली थी, ये यहाँ पे आइज लगी हुई थी मगर वो छूट गई हैं, ये थोड़ा टाइम पहले बनाया था ये तो इस वजह से छूट गई हैं। और इसमें भी देखिए ये फेल्ट है, ये प्रिंटेड फेल्ट है, मिल जाती है ऐसे ही प्रिंटेड, और फिर हमने उसी का मैचिंग की वाली फेल्ट आई है। सारे पार्ट्स की वही ड्राफ्टिंग, फिर हाथ से स्टिचिंग करनी होती है और फिर जो है इसके अंदर इसको भरने के लिए इसके अंदर फाइबर भरा जाता है। तो एक ये है। और जो मैं आप नेक्स्ट सॉफ्ट टॉय दिखाना चाह रही हूँ वो ये दो टेडी बियर हैं, ये मैंने बनाए हैं। और एक्चुअली ये पॉलीथिन में हम लोग इसलिए रख देते हैं क्योंकि ये धूल मिट्टी बहुत जल्दी लग जाती है, वाइट है,
इसको धो, फिर ज्यादा धोएंगे तो इसके ये जो है, अब ये इसमें जो ये लॉन्ग हेयर वाला, लॉन्ग हेयर वाले हैं, ये बाल इसके लंबे हैं, तो इसे हम बोलते हैं फर। जो इस तरह का कपड़ा होता है जिसमें थोड़े लंबे बाल होते हैं, इसे बोलते हैं हम फर। तो इसमें ये जैसे ही टेडी बियर है, और इसकी ये रेड फेल्ट लगी हुई है, ये नोज और ये आईज हमें मार्केट में मिल जाती है, और वैसे ही सेम प्रोसीजर है। अब जो मैं नेक्स्ट अपना सॉफ्टवेयर दिखाना चाहती हूँ वो है ये जोकर्स। एक दो बनाए थे, एक ये पॉलिथिन में बंद है और एक ये बिना पॉलिथिन के है। गंदे ना हो इसलिए पॉलिथिन में, आप लोग भी अगर सॉफ्टवेयर बनाएं तो पॉलिथिन में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये लोग ये गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। और फिर इनका आप मान लीजिए, इनको अगर आप सर्फ में पानी में रिजॉल्व करके उसमें डुबोएंगे तो क्या होता है कि ये जैसे कि ये सब जो है ना, मतलब कपड़ों पे तो नहीं होगा सर, मगर जो ये फेस वगैरह लगाया है इस पे जो ये प्रिंट है ये सब छूट सकता है ज़्यादा बार धोने से। अभी ये जो जोकर था इसमें ये पूरा फेस मिल जाता है मार्केट में, तो मैंने दो जोकर बनाए थे दिख रहे होंगे, तो इस जोकर का ये जो फेस है ये पूरा मिल जाता है, और ये जो हैंड्स हैं ये भी मिल जाते हैं, और ये जो ये शूज वाला पोर्शन है ये भी मिल जाता है, और बस ये ऊपर यहाँ पे ये फेल्ट है, ये फर है, और ये हमने इसके अंदर फाइबर। इसके लिए तो सबसे इजी जो है मैं कहूँगी ड्राफ्टिंग वो यही है, और स्टिचिंग में भी यही इजी है, क्योंकि ये जो इसका जो बॉडी है इसके लिए कोई बिना ड्राफ्ट के भी मतलब बना सकता है। हाँ, वो जो बाकी के सॉफ्टवेयर थे, और बल्कि इसके अलावा जो भी सॉफ्टवेयर हैं उन सब के ड्राफ्ट वैसे ही हमें सेम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो शेप गिर जाएगा। तो ये सहसे मैंने बनाया था, ये आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। ये मैंने एक रैबिट बनाया है, ये देखिए, ये जो इसकी आईज है बटन टाइप की, ये मार्केट से ही मिल जाती है, नोज़ भी मिल जाती है, और बाकी का तो ये देखें इस तरह से, ये पूरा बॉडी जो है ये अलग ड्राफ्ट, ये अलग ड्राफ्ट, पूंछ का अलग ड्राफ्ट, ईयर्स का अलग ड्राफ्ट, फेस का, हर चीज़ का अलग अलग ड्राफ्ट होते हैं, और ये भी पीसेस होते हैं मतलब, और उनको हम फिर स्टिचिंग करके बनाते हैं। तो ये मैंने रैबिट बनाया था। ये फ्रेंड्स मैंने एक मंकी बनाया है, ये एक्चुअली ये भी फाइबर फर है, लंबे बाल हैं इसके, और मुझे यही कलर मिला था फर में, दूसरा कलर मिला भी नहीं था। अब ये बिना पॉलिथीन के रखा हुआ है, तो ये इसका जो वाइट वाला है ये गंदा हो गया है, और अभी नहीं धुला मैंने, धुल लूँगी। और ये आईज नोज आया तो सब मिल जाती हैं, ये सब अपना इसका जो ये है फर है ये भी मिल जाता है, ये देखिए पीछे से इसकी ये पूंछ भी है। तो ये सब देखने में तो खैर बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाजार में भी मिल जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इनको बनाने में टाइम तो बहुत लगता ही है, मेहनत भी बहुत लगती है, पूरा एक एक पार्ट जो है हाथ से स्टिचिंग करनी है, और वो भी वो वाली स्टिचिंग करनी है जो इंटरलॉक वाली स्टिचिंग होती है, सिंपल स्टिचिंग भी नहीं चलती, इंटरलॉक वाली स्टिचिंग करनी होती है। और अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये सामान जो है ये अगर हम सब मतलब देखें इसमें जितने का पड़ता है, तो भाई क्योंकि जो मार्केट में मिलते हैं वो तो फैक्ट्रीज बनाती हैं, वहाँ तो थोक में काम होता है, होलसेल में बहुत सारा एक साथ फर आ रहा है, बहुत सारा एक साथ फाइबर आ रहा है, तो वो चीप पड़ जाते हैं, मगर ये फिर भी महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि हम एक-एक सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा सा सामान लेके आते हैं, तो अगर हम टोटल कॉस्ट लगाएं तो हाथ से बने हुए महंगे पड़ जाते हैं, मगर फिर भी बनाने वाले बनाते हैं, अगर क्योंकि ये पूरे लाइफ के लिए एक हो जाता है कि हाँ हमने ये बनाए हैं। ये फ्रेंड्स एक मैंने ये कंगारू बनाया था, देखिए ये कंगारू है, और ये जैसे कंगारू की पॉकेट होती है उस पॉकेट में उसका बच्चा भी बैठा हुआ है, देखिए ये बच्चा भी बैठा हुआ है, और ये इसमें बहुत मेहनत लगी, इसके जो पार्ट्स हैं वही सिलने में मतलब मेहनत लग गई अच्छी खासी, और ये जो है पॉकेट में इसका जो है ये हमने छोटा सा इसका गोल बैठा रखा है और बच्चा, तो ये है।
फ्रेंड्स, आपको मेरे सॉफ्ट टॉयज़ कैसे लगे? अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्ट टॉयज़ आपको पसंद आए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सॉफ्ट टॉयज़ कैसे लगे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।